थाना वेवर क्षेत्र में शहीद स्मारक बाउंड्री वॉल को तोड़े जाने का मामला सामने आया है। शहीद की पत्नी शिकायती पत्र लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची है। जिला मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद यह परिवार एक शहीद का परिवार है। बता दें कि यहां शहीद स्वर्गीय मनीष यादव की पत्नी मंजू देवी निवासी माशूमपुर खुटारा अपने परिवार के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां मंजू देवी ने लेखपाल और कानून के खिलाफ एक शिकायती पत्र दिया है। शिकायती पत्र में बताया है कि लेखपाल और कानून कौन है, बिना जानकारी दिए उनके पति की शहीद स्मारक की बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया है, जिससे पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव आक्रोशित है। पीड़ित महिला ने बिना जानकारी दिए तोड़े गए बाउंड्री वॉल को तत्काल यथास्थिति में करने की मांग की है। साथ ही लेखपाल और कानून को के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की है। पीड़ित महिला ने शिकायती पत्र देते हुए क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। मंजू यादव। कहाँ रहते हैं? ग्राम कोठारा। आज जिलाधिकारी कार्यालय शिकायत करने क्या? कारगिल शहीद मुनीश कुमार वाइफ मंजू यादव, उसकी स्मारक की बाउंड्री अब बिना बताए बिना सूचना दिए मेरी तोड़वा दी है भू माफियों के द्वारा। ना कुछ बताया मेरे को, ना कुछ सूचना है, इसी बात की मुझे रिपोर्ट चाहिए। कौन लोग, किन लोगों ने तोड़ी है, कौन लोग? गाँव वालों ने पता नहीं, लेखपाल कानिंगो मेरे को कुछ बताया ही नहीं बिल्कुल ही, ना कोई बात है, ना कोई सूचना, ना कोई नोटिस मेरे को। ऐसे तो कल गांव वाले कहेंगे, गांव भू माफिया वो करेंगे तो मेरा स्मारक भी तोड़वा देंगे। स्मारक कारगिल शहीद मनीष कुमार ग्राम गुठारा में बना हुआ है। मतलब आप हमें ये चाहते हैं, मतलब किस वजह किस कारण मतलब मेरा वो तोड़वाया गया स्मारक का? मुझे जब सूचना नहीं दी है किसी तरीका से, मेरे से सूचना नहीं, मेरे से कोई बात नहीं, कुछ तो कहानी वो लेखपाल जो मतलब बताया, मतलब ये तो नहीं बताया कि हम कर रहे हैं, मेरे कॉल करते किसी तरीका की मेरे से बात करते, नोटिस देते, कोई सूचना नहीं मेरे से है। क्या चाहते हैं? मैं इसका वो चाह रही है, हाँ कार्रवाई इस पर की जाए। तो किससे तोड़ी गई थी? जेसीबी से तोड़ी गई है। जेसीबी चला रही है? हाँ जेसीबी चलाएगी मेरे स्मारक पे, ऐसे बिल्डोजर मतलब कल कुछ ना कुछ करके कल स्मारक तोड़वा देंगे। अच्छा पुलिस साथ में थी क्या? पुलिस साथ में थी। थाने गई क्या? नहीं।